को कही आओ पेमेंट 5 लाख और बन के कावड़ी सेखो जी मुल्तान केद में घर भाई को ब्यावर बन के कावड़ी पकड़ पंजा मेरे फेरा में दियो बैठा आयर कावड़ी और संबली में फर्क वे कावड़ी तो कावड़ो है ना जो मरेड़ा करक खाए। तीर्जा को मतलब है कि संसार की जो भी जती भी रचना है चीरती भी निकले बिको नाम ही चीर जाए। यह तो मां की चर्चा है अलग अलग बाकी मान वो जखो ददक्षर यूज करे ने कोई भी गबड़ो बठे मां की कृपा को नहीं वे गाय कौन सके चाहे कतो ही मोटो वे तो कहीं वे बाकी संपजी दादी प्रडोद इन्होंने भी मां की बहुत सी रचनाएं गाई है पर गाय एकदम शुद्ध है। जब तक शुद्ध है जब तक गुणगान है। अब कहीं मोटा मोटा है बन के कावली पकड़ पंजा मेरे फेरा में दियो है बैठा है जद शेखा जी मुल्तान में केदा और शेखा जी के घर सू करणी जी महाराज ने कियो कि था को बीरो तो जेल में बैठे है अरे ब्याह का नेक चार मन चोखा कौन लाग रहा क्योंकि भाभी लीला करणी जी महाराज की शेखा जी ने और शेखा जी के घराली ने थोड़ो घमंड आयो जद बेटी रंग कंवरी शेखा जी की बेटी को नाव हो रंग कंवरी और ब्याह के योग्य हुई करणी जी महाराज ने पूछा बिना कोई काम को नहीं करता कौन गंगा सिंह जी और शेखा जी और जाकर कह बला गया मां बेटी ब्याह वाली होगी योग्य वर तो करणी जी महाराज का ही फरमायो बोले मेरी नजर में योग्य वर तेरी लड़की के लिए बिको है। यूं आगे पीछे मन कोई वर दिख रहे को नहीं है थारी लड़की के लिए बिको एकदम सर्वश्रेष्ठ है। शेखा जी के तो जरूर मान्य ही पर शेखा जी के घराली नटकी बोले माके बराबर को ठिकाणों को दी अठे तो को नहीं करा बोले कोई बात को नहीं। अब करणी जी महाराज की लीला देखो शेखा जी ने मुल्तान में कैद करवाया क्यों के संबंध बीका जी सु हुणो ना शेखा जी के घराली बोलियो आप जठे चाहो जठे ही संबंध मंजूर है तो बीका जी को संबंध हुयो रंग कमरी हूं अठेनो मौका को फायदा उठायो कुण शेखा जी के घर सु कि शेख सुता की विवाह को आगम पेख तयोचित सोच सतायो सांप्रत श्री करणी जी सगति समंदपति भगनी को सुवायो मात सुता विनती करती बिन कंठ रतीन वयो न वनवायो भाई जी आपके वीर बिना नहीं विवाह उछाव को आनंद आयो। और संबंध तो थे कह दियो जटे कर लियो पर ब्याह चोखो कौन लाग रियो क्यों कि मारो पति केद में है। करणी जी महाराज ने आपका ननद मान्या है शेखा जी के घराली और शेखा जी की भाण कि ब्याव के नेक अनेक बने पर एक बड़ो दस्तूर बतायो कि तोरण थाम के नेम न मिए और काम सदे मन चित चायो ए भाई सगे सब वेड़े हो गए और सांभेले पे मातुल भात पहनायो मातुल नाव मामा को है ओ मामू भात की तैयारियां कर रहे है पर भाई जी आपके भ्रात बिना नहीं लाभत दान कन्या को दिवायो। जब कन्यादान की बारी ऐसी तो कह के बाप जीव तो वह बेटी के तो बाप को ही कायदो है कन्यादान करबा को तू बी टेम का उसी तो कह रहे करुण में पुकार सुनी करणी जी महाराज और संबली को रूप धारण करियो संबली चील को पर गाबाला देखो कई आ पेमेंट 5 लाख और बन के कावड़ी सेखो जी मुल्तान केद में घर भाई को ब्यावर बन के कावली पकड़ पंजा मेरे फेरा में दियो बैठा आयर कावली और संबली में फर्क वे कावली तो कावड़ो है ना जो मरेड़ा करक खाए मरेड़ा जीवन खाए ने तलाया के माए बगाया मार फेर भी के चारू मेर बे कावड़ा बैठ जाए चील मरेड़ा ने को नहीं खाया करे कि दे चील मेरे कावड़ा में फर्क वह तो इलिए वो कावड़ी शब्द है वो ददक्षर है वो सही शब्द नहीं है। करणी जी महाराज कावड़ी को रूप धारण कौन करो संबली को रूप धारण करो
तो कहे करणी जी महाराज शेखा जी के घराली की देखो बा करुण मैं विनती सुनी। तो कहे शेख वधू की सुनी विनती अंब विलंब ना एक लगायो, चील विमान चढ़ी असमान गुड़ी जू उड़ी मुल्तान भी आयो। सांप्रत श्री करण जी सगती अनूप सुभूप को दिव्य स्वरूप दिखायो, केत कटी छिन में तब शेख की रेक रही निज धाम पुगायो। अब कहे थाम के नीचे बिठाई के शेख के हाथ से दान कन्या को दिवायो, धर्म की बहन बनी करनी तब ऐन समय पर भ्रात पुगायो। शेख वधू अब मन में हर सारी है, जय करणी 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 जस गायो, भगता की भीड़ निवारण कारण श्री करणी अवतार लिवायो। भगता की भीड़ मेटवा वास्ते ही करणी जी महाराज को अवतार भेड़ो है। तो ब्रजदान जी बिट्ठू कहे हे मां दूजो देव कदे नहीं डायो, आयो हूं तारी ओट, लोवड़ माई लपेट राग जेर मुंशी का मन में है खोट। ओ पहली बात तो रिप्या खाएड़ो है माला दुश्मन, बर्बात रिप्या ही टेके क्यों, आज तक में हाथ आयो ही को नहीं कोई के। अब के कल्डी विचार में लिए हे मां ओ मुंशी मालो हाथ पिंचे मंठा पड़ रहे, मुंशी का मन में खोट मन कैद में डाल सी, पर मन विश्वास है के हेलो सुन हिंगलाज तुरंत मोहित त्यार सी, हे मां तू हाजरे हजूर है अरे मेरे हेले पूग सी। तो कह रहे